और देवभूमि इसलिए पिछले ढाई महीने से हम लोग उत्तर भारत में या देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, भीषण गर्मी है। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, गोरखपुर और उसके आसपास का 48 डिग्री था, लेकिन जब मैं हिमाचल में आज सुबह आया, कितना सुहावना मौसम था यहां का। यहां के मौसम से ही यहां की प्रकृति की जो कृपा है, परमात्मा की जो कृपा है, वह हरेक व्यक्ति को न केवल आरोग्यता प्रदान करता है बल्कि देवत्व का साक्षात आभास भी करा देता है। और आज आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को साबित कर रहा है। जो आपने अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया है, यह उत्साह साबित करता है कि जो देश की आवाज है, पूरे देश का जो नारा है, इसके साथ हमीरपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी है। और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। तो 400 पार में हिमाचल की चारों सीटें भी हैं, है ना, है ना। बहनों और भाइयों, जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं। और दूसरा जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और अयोध्या में राम मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रफुल्लित थी। जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, अभिभूत था, अभिभूत इस बात के लिए था कि अपनी आंखों से अपने रामलला को, भगवान रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी, और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन थी, कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। हमने कहा भी राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। बहनों और भाइयों, हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। एक नया भारत दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है और मोदी जी की ओर देखती है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई, समाप्त, और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद भी देश के अंदर समाप्त। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी।
नहीं है। एक सुरक्षित हिंदुस्तान, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने वाला हिंदुस्तान, और विकास के बड़े बड़े कार्यों के बारे में यहां अनुराग जी ने बताया, हिमाचल प्रदेश के बारे में, पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स, मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों और भाइयों, आज ट्रिपल आईटी भी अनुराग जी यहां लेके आ गए, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न, अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास, मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है, विरासत भी है, विकास भी है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है, ये भानुमति का पिटारा है, जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं, कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, हर राज्य में इनके यही हाल है, एक केवल इनका मुखौटा है गठबंधन, सच्चाई तो इनकी ये है जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र तो अगर आप देखेंगे आपको लगेगा के सबसे प्राचीन सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं बल्कि किसी मुस्लिम लीग का संस्करण इनके साथ आ गया है और मुस्लिम लीग का दस्तावेज कांग्रेस आज प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुपक के रहना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, भारत किसी सरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को बांटेंगे। इन्होंने किया, याद करिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसने ओबीसी का आरक्षण वहां पर मुसलमानों को बांट दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी इसने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया।
कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दे सकें। जस्टिस सच्चर कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को मुसलमानों को दिया जा सके। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अनुराग सिंह ठाकुर जी उस समय सांसद थे, हम लोगों ने संसद में पुरजोर विरोध किया था कांग्रेस का। हम लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, आज अपनी घोषणा पत्र में फिर वे कहते हैं, फिर वे इसी बात को कहते हैं। आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी से किसी ने पूछा सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे। दादी ने नारा 1970 में दिया था, 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाने का नारा, लेकिन 54 वर्ष के बाद भी कांग्रेस वही नारा दे रही है। जब पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में का मतलब, कहा सभी भारतीयों की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे करा करके सर्वे होगा और फिर उनके बाप दादों ने, ग्रैंडफादर, फादर, मदर ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आधी प्रॉपर्टी ये लोग आपसे ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों में उसको बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हमीरपुर इसको स्वीकार करेगा? क्या अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और डकैती डालने के लिए कांग्रेसी कहां से आ जाएंगे? क्या आप इनको डकैती डालने की छूट देंगे? क्या बहन और भाइयों, कांग्रेस का यह वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। और मैंने इसीलिए कहा ना, इनका घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग आ गई है, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम जजिया कर लगाएंगे, वरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर लगाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।